वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट के सामने, ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी व जिले के महिला पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। दलित पिछड़े और मुस्लिमों की लगातार हो रही प्रदेश भर में हत्याओं को लेकर अब ये लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, लगातार मॉब लिंचिंग के हत्यारों को फांसी देने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। बेगुनाहों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये मांग इनके द्वारा की जा रही है। बुलडोजर नीति को बंद करने की मांग जो है वो इनके द्वारा की जा रही है। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, ये नारे इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। तमाम महिला पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तमाम जो अन्य नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। साफ तौर पर सभी की एक मांग है, लगातार दलित मुस्लिम और पिछड़ों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश की अगर बात कही जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जिला अध्यक्ष अलीगढ़, उनसे बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है, क्यों इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वजह है, इतनी सारी प्रतिक्रियाएँ लगातार हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए, क्या वजह है? देखिए, मैं जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अलीगढ़, ये अलीगढ़ में ही नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में आज प्रांतीय धरना प्रदर्शन है मॉब लिंचिंग बुलडोजर नीति के खिलाफ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब हाजी शौकत अली साहब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के निर्देश पर अलीगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित मुसलमानों के ऊपर हो रही मॉब लिंचिंग, दलितों की हत्या और तमाम जो भ्रष्टाचार और ये बुलडोजर नीति के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने का आह्वान किया है। उसी कड़ी में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अलीगढ़ और महानगर और जिला यूथ और महिला के तमाम संगठन के पदाधिकारी जिलाधिकारी अलीगढ़ के माध्यम से हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने। क्या लग रहा है, लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, वजह क्या है इसके पीछे की? क्योंकि वजह एक जानकारी होना जरूरी है, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 से सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। और उसे बात छोड़िए, अब इन्होंने जो नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, 4 जून के बाद जब से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, जब से तमाम दलित मुसलमानों की हत्या हुई, जैसे प्रतापगढ़ में एक मस्जिद के इमाम को कुड़ाली से काट करके हत्या कर दी, एक मुजफ्फरनगर में एक इमाम साहब की हत्या कर दी, शामली में इमाम साहब की हत्या कर दी, एक अलीगढ़ में औरंगजेब की पीट पीट करके मामू भांजे के अंदर हत्या कर दी, एक गौरव जाटव है वहाँ के अकराबाद का, उसकी हत्या कर दी, एक हरिद्वारगंज थाने में गौरव है उसकी हत्या कर दी, एक राकेश जाटव है दलित समाज से, वहाँ पर जेल के अंदर उसे पीट पीट करके ले जाया गया, उसकी दूसरे दिन उसकी हत्या हो गई। गाजियाबाद के अंदर 3 कुरैशी समाज के लोग जो बाग में पानी लगाने जा रहे थे उनकी हत्या हो गई। जहाँ कांग्रेस की सरकार है हिमाचल के अंदर, वहाँ बकरी ईद वाले दिन उसने सोशल मीडिया पर अपना एक कुर्बानी का फोटो जो शेयर किया, जावेद नाम के व्यक्ति की दुकान लूट ली गई आरएसएस के गुंडों ने। कल आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर कोलामपुर में राजा एक मस्जिद है, उस मस्जिद पर बाबरी मस्जिद की तरह हमला किया गया, तमाम आरएसएस के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भगवा झंडे लेकर के मस्जिद में घुस गए, मस्जिदों की गुम्मतों पर हमला किया है, वहाँ की जो हमारी तिलावत कुरान रखी हुई हैं उनकी बेहरमती की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस और बीजेपी वालों के लिए खुली छूट दे रखी है, तो इसी के खिलाफ आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, क्या लग रहा है ये घटना जो है लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, उससे पहले भी होती थी या नहीं? इतना नहीं था। मेरा नाम चौधरी जाहिद खान है, मैं प्रदेश में सचिव हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ और दुनिया के लिए, मेरा सदर पार्लियामेंट के अंदर कह रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मत दे भगवान, कहाँ चली जाती इनकी अकल, ये नारा कुछ लगाते हैं और करते कुछ है, और मुसलमान को आरोप बना करके जेल में ठूंसने का काम कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग का काम कर रहे हैं, बुलडोजर का काम कर रहे हैं। मैं तो योगी जी से पूछना चाहता हूँ, योगी जी आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही तो सीट छोड़ दो, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, ये तो काम हमारे, हमने संभाले रजवाड़े, लाल किला फतेहपुर सीकरी जामा मस्जिद ताजमहल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आपने तो 70 साल में गड्ढा खोद के पानी नहीं भरवा पाए और हमारी कमाई खा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की कमाई खा रहे हैं, क्या इनकी अम्माएं दहेज में लाई थी लाल किला?
क्या मोदी जी की हम दहेज में आया था ताजमहल? कौन लाया इनको सबको? ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है। हमसे एलर्जी, दाढ़ी से एलर्जी, टोपी से एलर्जी, मस्जिद से एलर्जी, मौलवी मुल्ला से एलर्जी, और हमारी कमाई दान में मिली आपको, दहेज में ले गई तुम्हारी अम्मा है। होश में आ जाओ, हमको मजबूर कर रहे हो आप रोड पर आने के लिए। हम रोड पर आ रहे हैं, अगर हम रोड पर सब आए तो कल को फिर आप ये मत कहना कि ये क्या कर दिया, क्योंकि आप सबके मुख्यमंत्री हैं। आप लगाम लगाइए, अपनी कानून को रोकिए, पुलिस को अपने अंडर करिए। पुलिस आपकी बिल्कुल अंडर ऑफ कंट्रोल है, किसी की मानने को तैयार नहीं है। आपने जो 3 कानून बनाए, ऐसे जहर के कानून बनाए जो मुसलमानों को अंदर करने का काम करेंगे, मुसलमानों को घर में घुसने का काम करेंगे। ना ये हंस सकते हैं, ना बोल सकते, तो क्या योगी जी आप समझते हैं मुसलमान अनपढ़ हैं? मुसलमान बैरिस्टर पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, और फिर तुम्हें चिल लगती है? जैसे मेरे जिलाध्यक्ष ने भी कहा कि वहाँ क्या जरूरत थी फिलिस्तीन का नारा लगाने की, तुम्हें क्या जरूरत थी जब मेरा सदर खड़ा हुआ जैसे राम के नारे लगाने की? तुम चलाओ 5 और हमें 1 चलाएं तो तुम्हारी जम्मा बहनें पैदा हो जाती हैं, तुम्हें डर लगने लगता है। वो शेर है और हम शेर के सिपाही हैं। इंशाल्लाह मैदान में ना आपकी तलवार से डरते, ना आपकी बंदूक से डरते। चैलेंज खुला हुआ आपको भाजपा और ऐसे संघ परिवार के लोगों को, और डीएम साहब जी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कंट्रोल कर लिए, वरना वो कंट्रोवर्सी होगी कि आप भागते जमीन नहीं पाओगे, आपको जमीन हाथ नहीं आ जा पाओगे, आगे दौड़ रहोगे और ये गरीब पब्लिक पीछे दौड़ रही होगी। आपको समझना पड़ेगा इन बेगुनाहों को, इन मासूम को जो सता रहे हो आप। किसी की बहन भी लग रही है, किसी का बेटा नत्थू भाई रह गया, किसी की बीवी रह गई, किसी के बच्चे यतीम रह गए। क्या डीएम साहब कितना मालदार हो गया आपका प्रशासन? क्या उनके बच्चे आपके बच्चे कहलाए जाएंगे? क्या उनकी माँ आपकी माँ कहलाई जाएगी? आप एक दिन उनके दरवाजों पर नहीं जाओगे। आप जो है हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करा रहे हैं और उन्हीं को छोड़ रहे हैं, मान सम्मान के साथ छोड़ते हैं, और हमारा एक मुसलमान भाई रोड पर नमाज पढ़ ले तो आपको एलर्जी होने लगती है। तो मैं कह जाना चाहता हूँ डीएम साहब आपके माध्यम से कंट्रोल करा दीजिए, वरना तुम सिर्फ इंडिया के अंदर और हम पूरे मुल्कों के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम एकता में आ गए तो आपको भागते जमीन हाथ नहीं आएगी। मैं कह देना चाहता हूँ ये सीधी धमकी किसके लिए? प्रशासन, बिल्कुल प्रशासन के लिए और शासन के लिए धमकी है, क्योंकि तुम सरकार नहीं चला सकते। सरकार तो वही चलाएंगे जो तलवार मैदान में चलाना जानते हैं, जो निष्पक्ष इंसाफ करना चाहते हैं। अरे हमने किया, लाओ उठा के इतिहास दिखाओ, हमारी हुकूमत में किसकी मुंह लिंचिंग हुई थी, किस हिंदू भाई को मारा गया था? हम राम रहीम के मानने वाले एक साथ ईद और बकरीद और दिवाली होली मनाते थे, तुमने नाश कर दिया देश का, तुमने नफरत पैदा कर दी। बुरखे को देख के लोग थर्राते हैं, साड़ी को देख के मुसलमान कॉलोनी लोग थर्राते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई? सत्ता आपके हाथ में, कलम आपके हाथ में, प्रशासन आपके हाथ में, बॉर्डर आपके हाथ में, आखिर चल क्या रहा है योगी जी? आपको नहीं आता तो सीख लीजिए हमारे बैरिस्टर साहब से कानून, फिर बैठ जाइएगा सीट पे, ले लो कुछ दिन के लिए क्लास, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, ये तो हम ही चलाएंगे। तो हम कहना चाहते हैं डीएम साहब के माध्यम से, अपने देश के राष्ट्रपति जी से, कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, कानून बनवाइए, वरना ऐसा ना हो कि गरीब को चाहते हैं। कौन सा कानून हम चाहते हैं? कानून जो आपको सुविधाएं देश में मिल रही है वो हमको मिले, आपको जो इज्जत मिल रही है हमको भी मिले, आपको जो इबादत करने की इजाज़त मिल रही है, इज्जत मिल रही है, वो हमको भी मिले। हम मस्जिद में साल भर में एक नमाज 2 आदमी बाहर निकल के नहीं पढ़ सकते? तुम पूरी कांवड़ यात्रा चलाओगे, रोड बंद कर दोगे? किसी का मरीज गाड़ी में मर जाता है वो नहीं दिखाई देता? हमारी नमाज पढ़ने में 5 मिनट की में दिक्कत है, हमारी इजाज़त में दिक्कत है। तो सुन लो डीएम साहब, सिर्फ हिंदुस्तान में राम का नाम लिया जाता है और पूरी दुनिया में अल्लाह का नाम लिया जाता है। अजान 24 घंटे होती है, ये किसी के बाप में ताकत नहीं जो रोक ले, ना रोक पाया ना रोक सकता है। तो आप समझिए बात को, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे अधिकारी हैं, हम आपका मान सम्मान इज्जत करते हैं। साना बसाना मेरे नगर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष आपके साथ खड़े रहते हैं, दिन रात आपके साथ जब जरूरत पड़ती है कांधा से कांधा लगाकर दौड़ करते हैं, मुजरिमों को गिरफ्तार कराते हैं। हम शांति व्यवस्था चाहते हैं, हमको ज़्यादा न सताया जाए, कहीं वो ना हो जाए कि गरीब मरता क्या ना करता, फिर आफत आ जाए और रोड़ों पर शुरू हो जाए मामला। तो आप समझदार हैं, इसको समझिए और इस पर संज्ञान लीजिए, जीने दीजिए, और आप भी जिए और हमें भी जीने दीजिए। क्या लग रहा है महानगर में जो लगातार घटना हुई उसको लेकर क्या लग रहा है? देखिए अभी आपने एक सवाल किया था जरा तीजिए, इसकी वजह क्या है? हमें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये पक्षपातपूर्ण रवैया ना अपनाया गया होता तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ लोगों के घरों पर तो बिल्डोजर चलता है और कुछ लोग जो का मतलब ये कितना भी बड़ा जुर्म कर दें उनके घर उनके खिलाफ एफ आई जीता जागता सबूत है, हाथरस में 123 आदमी मरे, उस बाबा के खिलाफ ना तो FIR हुई और करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर रखी है, ना उस पर कोई बिल्डोजर चला। यहाँ पर माओ भांजे में पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, 15-16 आदमी एक निहत्थे मतलब ये आदमी को लाठी डंडे सरियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, और उसके 11 दिन बाद उस मरने वाले के साथ में 8 आदमी और कुल 9 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये कौन सा कानून है? और जो बाकी के थे वो हत्यारे वो भी मतलब ये गिरफ्तार नहीं किए गए,
अगर ये भेदभावपूर्ण रवैया न चलाया जाए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, जो जुर्म करता उसके साथ मतलब ये बिल्कुल मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, हम इससे सहमत हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तभी हम सड़कों पर आए, तभी मतलब ये धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ी है। बिल्कुल, तमाम जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अब बात करते हैं महिला पदाधिकारियों से, उनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या वजह है, लगातार क्या कहना चाहेंगी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वजह है, महिलाओं को क्यों आना पड़ा है, क्या नाम है? मेरा नाम गुलिस्ता खान है, MIM पार्टी से, महिला विंग से जिला अध्यक्ष। जो हमारे पदाधिकारियों ने बोला है वही वजह है जो हमें रोडों पर उतरना पड़ा, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमान भाइयों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, रोडों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, जबकि कावर बाड़े जो हैं, जो हमेशा देखा हो आपने कि सड़कें की सड़कें भर के चलती हैं, कभी उन पर क्यों नहीं रोक लगती है, सिर्फ इन चीज़ों के चक्कर में हम लोग आएंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर तमाम जो लोग हैं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी की मांग सिर्फ एक है, लगातार दलित पिछड़े और मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्याएं की जा रही हैं, मौजूदा सरकार इस पर लगाम लगाने में पूरे तरीके से असफल नजर आ रही है, विफल नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार ये लोग सड़कों पर हैं, और इनके द्वारा एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा इन घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग की गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।